धारा नगरी के बीच में राजा पृथ्वीपत, उनके लड़के हुए पद्मसेन और पद्मसेन के जो लड़के हुए गोपीचंद। सजनों, गोपीचंद की रानी जिसका नाम मैणावंती था, बताते हैं उनके एक लड़का जिसका नाम गोपीचंद और छोटी बहन जिसका नाम चंद्रावर। काफी वर्ष बीत जाते हैं। पद्मसेन राजा बड़े ही शील स्वभाव के राजा थे, प्रजा पालक राजा थे। समय बीतता चला जाता है, राजा पद्मसेन स्वर्ग सिधार जाते हैं। जैसे ही वो राजपाट का भार रानी मैणावंती के कंधों पर पड़ा, समय बीतते बीतते 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब लड़का गोपीचंद 20 वर्ष का होया तो उसको राज तिलक कर दिया जाता है। अब राज तिलक करने के बाद अनेकों रियासतों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। सजनों, बताया जाता है कि 16 जगह से गोपीचंद के रिश्ते आते हैं और अपने पिता की तरह गोपीचंद, पद्मसेन की तरह इतने सुंदर, कंचन जैसी काया, जहां से भी रिश्ता आता है वो उसकी माँ उसी का रिश्ता मंजूर कर लेती है। ऐसे 16 रिश्ते होते हैं जो इतिहास बताता कि गोपीचंद के 16 रानियां हुई। 12 वर्ष बीत जाते हैं, उन 16 रानियों के गर्भ से 12 कन्याएं जन्म लेती हैं, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और इस समाज में कहते हैं कि भाई जब कोई पुत्र की प्राप्ति हो तभी परम गति मिलती है। लेकिन एक समय की बात है, जो उसकी बड़ी रानी पाटम दे, वह सुबह सुबह उदास अवस्था में बैठी और उसने अभय दीवान को बुलाया और कहा कि रे दीवान, ये हमारे बहुत ही अच्छे सुरेंद्र भाई भगत जी बाबा जियों का 11,000 से सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत। तो अब है दीवान राजा गोपीचंद को बुला के लाते हैं और जब जाकर रंग महलों में हमारे बहुत ही माननीय भाई सुरेंद्र 500 रुपये से इस मंडली का मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। तो बड़ा उदास चेहरा देख के राजा गोपीचंद ने कहा कि महारानी क्या बात है। निवली के महाराज, बस क्या बात, आज तो बस चाड़ा हो गया। अरे रानी, क्या चाड़ा होया? तो वो जकर करती है, कैसे अपने स्वप्न का जकर करती है, क्या बताया। सपने का करूं जकर मैं,
सारी रात रही उतकी न लगी आँख कर मैं सपने का करूं तेरे करते हैं बार बार धन्यवाद क्या धन्यवाद धक्के सपने के माँ मेरे पिया सपने के माँ मेरे पिया मारे पुरज कले की जहेगी सपने कैसी चाल उठती मेरी नाव पवर मैं पढ़े मन में सोचने लगी कौन सी करनी रहेगी हो कौन सी करनी रहेगी ढके सपने के माँ फेरू रोवती सपने के माँ फेरू रोवती बहुत कहीं गई डरे मैं सपने का करूं चक्कर में ओ सपने का सारी रात रही उतरती लगी ना चक्कर में सपने का करूं चक्कर में जी गांव ननेड़ा से मोहित सौ रुपए से मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद क्या धन्यवाद नगरी में सम्मान रोवते नगरी में सम्मान रोवते मेरी जान पे घने में खेरेगी तेरी दक्षिण दिशा में बारात चढ़ी जब नाश होने की रहेगी डुम्मा धाने हुई नगरी में आग तो कर दे फेरेगी ओ आग तो कर दे फेरेगी देख मेरे साथ में कोई रहा ना मेरे साथ में कोई रहा ना मैं रही अकेली घर में सपने का करूं सपने का घर में सारी रात रही उतरती ओ लकी रात घर में सपने का करूं कितने सपने भी सच्चे होते देखे हैं नवोलिक के महाराज रोने लग जाती है वो रानी नवोलिक के आप कहते हो कि मैं सपन का जिक्र करती हूं आपको पता नहीं ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जो भोर का सपना हुआ है ना वो साची भी हो जाया करे कैसे वो सुबह सुबह के सपन का जिक्र करती है क्या बताया
के पहर का तड़के एक सुपन आया, पहर के तड़के एक सुपन आया, तन तन पराक्रमाली बागमा बाणा दायर लिया और सर पलटा बताली। दक्षा दो माई दक्षा दो, तन घर घर अलग सगाली, ओ घर घर अलग सगाली। तक नंगे पैरा फेरे करिया में, नंगे पैरा फेरे करिया में, तू ले कर मंडल कर मैं सपने का करूं जगने में, ओ सपने का करूं जगने में। सारी रात रही लगी सपने का करो चक्कर में। देखे राजपाटी तन छोड़ दिया, राजपाटी तन छोड़ दिया, बगम्मा पाना राजपाटी तन छोड़ दिया और छोड़ छोड़ ठकाना। किस ते कह दूं मेरी कौन सुनेगा, पड़ गया दुखड़ा ठाना। कह नरेश न्योल थे के तन किस पे सीखा गाना, ओ किस पे सीखा गाना। पिता मदन लाल की कर कह सेवा, मदन लाल की कर कह सेवा, यू ज्ञान मांग लिया वर में। सपने का करो ओ सपने का करो, सारी रात ओ लगी आग जंगल में, सपने का करो जंगल में।